लो भैया अपना 3 महीने का बकाया और कल से छुट्टी तुम्हारी। क्या सारे पैसा भी दे दिए, छुट्टी भी दे रहे बहन जी, और साथ में सलाह भी दे रही हूँ, अपनी चोंच बंद कर निकल यहाँ से, गरीब मोहल्ले के गरीब लोग। तो आप ऐसे कौन से दिल्ली के आलिशान कोठी में रहने वाली हो? आकर देख लेना, कल से बसंत बिहार की कोठी में दिखेंगे हम, समझा? देख लेंगे। चल मैं देख लेंगे। क्या मम्मी, हमें कोई लॉटरी वॉटरी लगी है, क्या चल रहा है? हाँ, मेरी सायरा बानो देखती जा, अरे बड़े बड़े सपने पूरे होने जा रहे हैं। इंदु, मुझे ना पौधे लगाना, फूल उगाना बहुत अच्छा लगता है। मेरे मायके में ना एक छोटी सी बगिया थी और सुबह सुबह उन पौधों को पानी डालने में बड़ा मजा आता था। मुझे अपने घर की बहुत याद आती है और दीदी भी बताती है कि माँ और पापा ने उस घर को बनाने के लिए बहुत मेहनत की थी। उनके जाने के बाद भले ही हमें वहाँ दिक्कतों का सामना करना पड़ा हो, लेकिन ना उस घर में एक अलग ही सुकून मिलता है। अरे आपको तो अभी से ही अपना मायके याद आने लगा, लगता है इस बड़े से घर में आपको अभी तक अपनापन नहीं मिला। इंदु ऐसी बात? लक्ष्मी, क्या बात है, कोई परेशानी है तुम्हें? यहाँ मन नहीं लग रहा तुम्हारा? नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। भाई मैके का घर होता ही ऐसे है, बिल्कुल माँ की गोद की तरह। मुझे तो आज तक अपने मैके की याद आती है, तुम तो अभी अभी आई हो। इंदु, हमारी स्पेशल डिलीवरी पहुंच गई क्या? हम नगर पालिका से आए हैं, आपके मकान का निरीक्षण करना है। हाँ समधन जी, आपके लोग आ गए हैं, आप चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। क्या निरीक्षण करना है? हटिए प्लीज। अरे कहाँ? देखिए, हमें बताया गया है कि ये मकान जर्जर हालत में है और बारिश भी शुरू होने वाली है। ऊपर से कड़े आदेश हैं कि ऐसे मकान जिनसे जान माल का नुकसान हो या फिर वो ढह सकते हो, उन्हें बारिश से पहले गिरा दिया जाए। हमारा घर बिल्कुल ठीक है, आपने गलती से हमारे घर का नंबर लिखा लिस्ट में। हमें ऊपर से ऑर्डर मिला है, हम कुछ नहीं कर सकते। आए हाय, ये हमारा घर है, ये दीवार हमारी, ये ईंटें हमारी, सब तो हमारा है, नहीं तोड़ने देंगे हम आपको। निरीक्षण करने दीजिए हमें प्लीज। अड़िए आप निरीक्षण कीजिए, आपको खुद पता चलेगा हमारा घर कितना मजबूत है। मेरे माँ और पापा ने खड़े होकर बनवाई है। हाँ उसकी रखरखाई नहीं हुई है, पर उसकी नींव ना बहुत मजबूत। मैंने तुमसे कहा ना, औरतें बहुत ही इमोशनल होती है, उनके मायके की दर दीवार हमेशा उन्हें याद रह जाती है। मेरे मायके की खुशबू तो अब तक मेरे मन में बसी है। लक्षु, तूने ना मुझे अपनी बातों में उलझा दिया। मैंने तुझे एक जरूरी बात कहने के लिए फोन किया था। देख, घर पर शूटिंग है ना, मुझे मम्मी और लिपिका से तो कोई उम्मीद है नहीं। तू सब संभाल लेना, जो भी पूछे ना खुलकर जवाब देना, घबराना मत। दीदी आप यहाँ होती ना बहुत अच्छा होता, पर मुझे खुशी है कि आप वहाँ प्रतियोगिता के लिए जा रही है। और यहाँ की ना बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं सब देख लूंगी, और कार्तिक जी भी तो है साथ में, तो टेंशन की कोई बात नहीं। और ठीक है, जल्दी से जाइए, अब तैयार हो जाइए। ऑल द बेस्ट। हाँ बाय। आज हम दोनों का ही इम्तिहान है। हे माता रानी, सब ठीक रखना, कुछ बिगड़े नहीं। हटिए यहाँ से, हमें हमारा काम करने दीजिए, चलिए हटिए। अरे रुकिए, एक मिनट, फोन करूंगा। जल्दी कीजिए। किसको फोन करूं? मंगल को फोन करने दो। पापा,
हेलो मंगल, मंगल, हेलो 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 पापा, मंगल देखिए ये घर कानूनी है। हेलो पापा क्या हो गया? हेलो हेलो पापा, हेलो मंगल, मम्मी आप, ये क्या हुआ है? ये क्या आवाजें आ रही हैं? और पापा क्या कह रहे हैं? क्या होने नहीं दूंगा। हेलो बोलिए ना। ये तेज गड़गड़ मशीन की आवाज कैसी थी? मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। अरे मंगल तू भी ना, यहाँ टीवी चल रहा है, इतना शोर हो रहा है। तेरे पापा पता नहीं क्या क्या देखते रहते हैं, ऊपर से चिल्लाते भी है, बस उसी का शोर सुन रहा होगा बेटा। और ये लिपिका ने कुछ नया लगवाया है टीवी में, अब बड़े अच्छे अच्छे प्रोग्राम आ रहे हैं। चल मैं फोन रखती हूँ। क्या हुआ? पापा टीवी कहाँ देखते हैं? मम्मी कोई शौक है? मंगल तुम्हारी मम्मी का भी ना पता ही नहीं चलता। देखा नहीं पार्टी में लक्ष्मी को कैसे गले लगा रही थी, कितना अपनापन दिखा रही थी। उनका तो कुछ समझ में ही नहीं आता कि मन में चल क्या रहा होता है। हाँ बाप मुझे भी बहुत अजीब लगा था। उनकी ना जुबान के अंदर भी जुबान होती है, वो कहती क्या है, उसका मतलब क्या होता है भगवान ही जाने। की रिकॉर्डिंग है ना कार्तिक जी, आप जाइए, सोनू है ना वो घर सेट करने में मेरी मदद कर देगा। हाँ कार्तिक जी आप जाइए ना, हम सब देख लेंगे। देखिए आप लोगों को हमने इतना समय दे दिया है, फिर भी आप लोग नहीं मान रहे हो। अभी हम और नहीं रुक सकते, अब हम 10 तक गिनती करेंगे, उसके बाद सीधा बुलडोजर चलाएंगे। अगर घर में कोई भी हो तो अभी के अभी घर से बाहर निकल जाइए। अरे शांति जी, भूषण जी अंदर है, उन्हें बाहर तो ले आइए। मम्मी मेरी नई ड्रेस अंदर है और सैंडल्स भी। मुझे जाने दो प्लीज। अरे जाने दे, अब सब नया नया मिले। 10, 9, 8, 7, 6, 5। ये सबको मरवाएगी। आ गई मनहूस। एक हटा इसको। ये मेरा घर है, मैं अपना घर नहीं तोड़ने दूंगी। बड़ा घर मतलब? हाँ हाँ बहुत बड़ी कोठी दे रहे हैं हिरी में, नाले गली सबसे दूर और पूरा सामान सजावट के साथ, पर उस करम जली ने आके मना कर दिया। मम्मी हाँ तो और क्या कहूँ से, वो नहीं चाहती कि हमें कोई सुख मिले। अरे इस घर को गिराने के लिए गायत्री जी ने कुछ लोग भेजे थे, लेकिन लक्ष्मी ने ये भगवान आकर रफंडे मचा दिए पूरी तरह, सबको भगा दिया। अरे हमारे सुनहरे सपने तो रह गए, हवा हो ही हो गए, जैसे के गधे के सिर से सिंह चले गए हो। शर्म नहीं आती मम्मी आपको? क्या तुम लोग? भाभी माँ ने आपके घर को तोड़ने के लिए लोगों को भेजा था, आपने मुझे बताया भी नहीं। क्या छिपा रही है मुझसे तुम महालक्ष्मी?